20 अप्रैल वर्ष 1946 में संयुक्त राष्ट्र की पूर्ववर्ती संस्था राष्ट्र संघ यानी लीग ऑफ नेशंस को एक घोषणा के साथ भंग किया गया। वर्ष 1920 में राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। इसका मुख्य कार्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में स्थापित किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद संसार में शांति स्थापित करने के लिए जितने भी प्रयास किए गए उनमें सबसे प्रमुख राष्ट्र संघ का गठन था। युद्ध में हुए अपार जनधन के विनाश के कारण विश्वव्यापी स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना का अनुभव किया गया। राष्ट्र संघ इसी अवधारणा का परिणाम था। इस संस्था की स्थापना का मुख्य उद्देश्य विश्व में हथियारों को कम करना, युद्ध के कारणों को समाप्त करना और विश्व में शांति बनाए रखना था। बाद में राष्ट्र संघ के ढांचे और उद्देश्यों को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अपनाया गया। 20 अप्रैल वर्ष 1972 में अपोलो 16 चांद पर उतरा। नासा का यह मिशन अपोलो अंतरिक्ष कार्यक्रम के अंतर्गत 10वां मानवयुक्त मिशन था। इस यान को फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। इस अंतरिक्ष मिशन को कमांडर जॉन यंग, लूनर मॉड्यूल पायलट चार्ल्स ड्यूक और कमांड मॉड्यूल पायलट केन मैटिंगली द्वारा संचालित किया गया था। यह टीम चांद पर उतरने वाली इतिहास की पांचवी टीम बनी। जैसे ही अपोलो 16 ने चांद की धरती को छुआ, चार्ल्स ड्यूक के मुंह से निकला संपर्क। अपोलो 16 ने चंद्रमा के रास्ते में कई समस्याओं का सामना किया था, जिसके परिणाम स्वरूप चंद्रमा पर लैंडिंग में 6 घंटे की देरी हुई, क्योंकि नासा के प्रबंधकों ने अंतरिक्ष यात्रियों को मिशन को समाप्त करने और पृथ्वी पर लौटने को कहा। अपोलो मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों ने चंद्र नमूने एकत्र किए। इन एकत्र किए गए नमूनों में सबसे बड़ी चंद्रमा चट्टान बिग मूले भी शामिल थी।